ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के इलाके की जनता इन दिनों भारी परेशानियों से जूझ रही है। इसको लेकर मंत्री ने जब जनसुनवाई की तो उनके इलाके में सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंच गए समस्या लेकर। कहीं लोग बारिश से नालियों का पानी घरों में भरने की समस्या से परेशान हैं, तो कई लोग खराब सड़कों और बिजली कटौती से परेशान हैं। घरों में पानी भरने की समस्या लेकर आए लोगों ने तो मंत्री जी को खरी खोटी तक सुना दी। मंत्री के पास शिकायत लेकर आए वार्ड नंबर 4 के लोगों ने बताया कि उनके इलाकों में बारिश के मौसम में नालियों का पानी भी घरों के अंदर भर जाता है। मिर्जापुर के लोगों ने बताया कि उनके इलाके में नालियाँ अतिक्रमण की शिकार हो गई हैं, जिसके चलते बारिश के दौरान भारी जल जमाव रहता है, जिससे लोग भी परेशान रहते हैं। लोगों ने मंत्री को खरी खोटी सुनाई और कहा कि उन्होंने स्थानीय अधिकारी पार्षद सभी से शिकायत की, लेकिन उनकी समस्या का हल नहीं हुआ। नहीं, क्या तरीका है ये बताइए ना कि यहाँ पे आज जनसुनवाई है। अरे मैं आ गया, सब आ गए और सारे अधिकारी बैठे हुए हैं। आप बोलिए उसको। ये आ रही है आज दिन घर में पानी आ रहा है और गंदगी में खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। कम से कम 15 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं है 4 नंबर वार्ड में। आज मंत्री जी के आए हम, बुलाए हमने सबसे, तो आज हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो कोई ऐसे ही भरा रहेगा पानी। सबसे 15-20 दिन हो गए। क्षेत्र के लोगों से मिल रहा हूँ, उनकी आज क्षेत्रीय कार्यालय 1 पे जनसुनवाई है। उनकी समस्याएं सुनकर के उनका निदान करने का प्रयास कर रहा हूँ। श्रीमान सिंधिया जी ने एलिवेटेड रोड की समीक्षा की है, सिंधिया जी ने बाईपास रोड की समीक्षा की है, उन्होंने हजार विस्थल के पास अंडरग्राउंड की समीक्षा की है, अनेक विकास कार्यों की समीक्षा हुई है। हमारा ग्वालियर बदल रहा है और तेजी के साथ बदले, ये प्रयास माननीय श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी, यहाँ के क्षेत्रीय सांसद भारत सिंह जी और मेरा, हम सबका मिलकर के जनपद। और अब बात करेंगे लोगों के गुस्से के उबाल की। तस्वीरें मुरैना और छतरपुर से सामने आई, जहां मुरैना में बदमाशों ने कोचिंग संचालक के साथ मारपीट की। 3 नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट की, जिसे देख छात्रों में हड़कंप मच गया। तो वहीं छतरपुर में युवक के साथ बीच सड़क पर मारपीट हुई। थाने के सामने जमकर जूते चप्पल और लात घूंसे चले। तो मुरैना में ही दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट हुई। मारपीट मोबाइल रिपेयरिंग को लेकर हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे भी चले। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, लड़ाई झगड़े मारपीट की। और अब बात करेंगे उज्जैन की, जहां होटल में अवैध निर्माण पर बड़ा एक्शन लिया गया है। मोहन वासवानी के होटल पर प्रशासन का हथौड़ा चला। प्रशासन ने होटल शिव सागर के 4th फ्लोर पर कार्रवाई की और 4th फ्लोर पर किया गया अवैध निर्माण तोड़ दिया। इस दौरान SDM उपायुक्त मौजूद रहे। आज ये महाकाल क्षेत्र 2-3 में शिव सागर होटल है, उसको पहले भी नोटिस दिया जा चुका था कि आपके द्वारा जो अवैध निर्माण किया गया है उसको आप हटा लीजिए, बट इनके द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसके परिप्रेक्ष्य में आज कलेक्टर सर और निगम आयुक्त सर के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है। जो इनका अवैध निर्माण था 4th फ्लोर, उसको हटाया जा रहा है। उज्जैन में एक बार फिर अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ नगर निगम ने मुहिम छेड़ दी है। इस वक्त महाकालेश्वर मंदिर के सामने आप देख सकते हैं, इस होटल पर कार्रवाई की जा रही है। शिव सागर एनएक्स होटल है, जिसपे जो इसका 4th माले का जो लास्ट फ्लोर है, इस पे अवैध अतिक्रमण किया गया था। नगर निगम की टीम के द्वारा इसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। वैसे मैं बता दूँ कि महाकालेश्वर मंदिर के आसपास में जो विकास कार्य हो रहे हैं, 500 मीटर के दायरे में कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी धड़ल्ले से अवैध अतिक्रमण कर जो है होटलें बन रही हैं। होटलों पर जो है पहले ही अनुमति नहीं मिल रही है, इसके बावजूद भी अवैध रूप से होटलें बनाई जा रही है। अब नगर निगम ने जो है आज से मुहिम शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि महाकालेश्वर मंदिर के आसपास के इलाकों में जितनी भी अवैध होटलें बनी है उन पर कितनी कार्रवाई होती है। अजय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। आगर मालवा का जिक्र करेंगे, जहां के सुसनेर में एक बंद पड़ी जिनिंग फैक्ट्री की चिमनी को धार्मिक स्वरूप देकर वहां धार्मिक गतिविधियां की जा रही थी। लंबे समय से एक वर्ग विशेष के लोग चिमनी और उसके आसपास हरा रंग लगाकर उस स्थान को धार्मिक स्थल का स्वरूप दे रहे थे। फैक्ट्री की इस चिमनी को धार्मिक स्वरूप दिए जाने का हिंदू संगठनों ने विरोध भी किया था। जानकारी लगने पर स्थानीय प्रशासन हरकत में आया। सुसनेर SDM मिलिंद ठोके और
तहसीलदार विजय सेनानी ने मौके पर मुआयना किया। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद फिलहाल इस स्थान पर धार्मिक गतिविधियों पर विराम लगा है। सुसनेर में एक नजर अली सेठ पहले रहे होंगे, उनके जमाने की एक चिमनी है, उसे लगा हुआ एक संरचना है, उसके ऊपर मुस्लिम संप्रदाय के कोई लोग वहाँ के पूजा अर्चना वगैरह करते थे। तो ये वाला विषय सोशल मीडिया पर आया था, तो उसको जाकर देखा तो जो लोग ये करते हैं तो उन्हीं लोगों ने उसको फिर हरे रंग जो था उसको अपने मन से वाइट भी किया और वहाँ पर पूजा अर्चना के उद्देश्य से वो लोग आते ऐसा पता पड़ा है, इसी कारण से वहाँ मौका देखने भी गए थे। बात करेंगे रीवा की, जहां सरकारी स्कूल के एक शिक्षक के करतूत ने पूरे शिक्षा जगत को शर्मसार कर दिया। स्कूल के जिस शिक्षक के कंधों पर छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी होती है, भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी होती है, वही शिक्षक नशे के अंधकार में डूबा है। दरअसल सरकारी स्कूल के हेडमास्टर का नशे में धुत होकर क्लासरूम के भीतर सोने का वीडियो सामने आया। न्यूज 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो रीवा के प्राथमिक स्कूल का है। नशे में धुत शिक्षक के ने जो है पहले छात्रों को क्लास से भगा दिया, फिर बच्चों के बैठने वाली टाट पट्टी पर लेटकर सो गया। फिलहाल शिक्षक की करतूत का वीडियो अधिकारियों सहित जिला कलेक्टर के संज्ञान में आया, जिस पर कलेक्टर ने कार्रवाई की बात कही। यदि कोई इस प्रकार से पाया गया है कि उसने शराब पी हुई और उसके बाद कक्षाओं में कहीं पाया गया तो उसके खिलाफ तो हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे ही, लेकिन अन्यथा भी अगर ये इस प्रकार की स्थिति या अन्य किसी भी प्रकार के अनुशासनहीनता किसी भी विद्यालय में पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी हम लोग कड़ी कार्रवाई। जबलपुर के चरगमा थाना के कुलोन गांव में नाबालिग किशोरी की हत्या का रहस्य और ज्यादा गहरा गया है। दरअसल हत्या करने वाले आरोपी यीशु पटेल की भी लाश मिली है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को कुलोन गांव में रहने वाले यीशु पटेल ने नानी के घर आई 16 वर्षीय रिया पटेल के गले में चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद यीशु उर्फ यशवंत पटेल गांव से लगे जंगल में भाग गया था। बहरहाल अब नाबालिग की मौत के बाद यीशु की लाश मिलने से कई तरह की आशंकाएं जन्म ले रही हैं। यीशु ने आत्महत्या की है या उसकी भी हत्या हुई है, ये नया रहस्य पैदा हुआ है। जबकि अभी तक पुलिस ये भी पता नहीं लगा पाई थी कि यीशु ने नाबालिग की हत्या क्यों की थी। बहरहाल पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल मामले की कर रही है। कोराड़ी पिपरिया गांव है, वहां के जंगल में नहर के बगल से एक नाला जाता है, वहां उसका शव मिला था। अभी जज पंचनामा का शव पंचनामा करके पीएम के लिए रवाना कर दी गई, बट वो कारण अभी स्पष्ट नहीं है। उसकी जेब में एक सल्फास की शीशी मिली थी, उसमें सभी जांच किया जाना, जांच के उपरांत कारण स्पष्ट होंगे। भिंड में वाल्मीकि समाज के युवक की हत्या के बाद परिजनों में भारी नाराजगी है। हत्या के विरोध में सफाई कर्मचारियों ने आज शहर भर में सांकेतिक हड़ताल रखी और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही उनके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। गौरतलब है कि दूध पीने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ और विवाद में चाचा भतीजे पर एक दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया। इस दौरान गंभीर रूप से घायल सौरभ वाल्मीकि की इलाज के दौरान मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। दतिया में आरएलपीएस स्कूल से 4 वर्षीय बच्ची के अपहरण का प्रयास करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अपहरण के दोनों आरोपी नाबालिग हैं। खुलासा हुआ है कि 30 लाख के फिरौती लेने के लिए आरोपी अपहरण कर रहे थे और बच्ची को अपहरण करके हैदराबाद ले जाने की इनकी तैयारी थी। जिस राज्य का शिक्षा बजट 33,000 करोड़ के पार हो और उस प्रदेश के एक गांव ऐसा भी जहां के बच्चे स्कूल के भवन के लिए तरस रहे हैं, कभी पेड़ के नीचे तो कभी रंगमंच पर स्कूल संचालित हो रहा है। पहली से पांचवी तक की कक्षा बच्चे एक साथ बैठने को मजबूर है। एमपी के शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती ये तस्वीरें सामने आई हैं। रिपोर्ट देखिए। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा का पाठ करते इन बच्चों के मन में भी इच्छा है। उनकी इच्छा इस वक्त केवल एक स्कूल की चाह की है। नहीं,
ऐसा स्कूल जहां उनका समय बर्बाद ना हो, ऐसी इमारत जहां वो सुरक्षित महसूस कर सकें, ऐसा स्कूल जहां उनका बाल मन बिना किसी रोक टोक के उड़ान भरे, ऐसा स्कूल जहां उनके सपने साकार हों, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा। समय ही सोना है, इसे बर्बाद ना करें। अच्छी किताबें स्वर्ग का द्वार खोलती हैं, अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है, ये स्लोगन लिखे गए हैं। बच्चे इनका मतलब जानते हैं, समझते हैं, लेकिन जिम्मेदार नहीं। सिस्टम शायद इन स्लोगन्स के अर्थ को भूल गया है, तभी तो बच्चे बारिश के बीच छोटे से चबूतरे पर पढ़ने को मजबूर हैं। पानी की बौछार उन तक पहुंच रही है, लेकिन वो पुष्प की अभिलाषा को जान रहे हैं। तस्वीरें मंडला के बुजबुजिया गांव की हैं। प्राथमिक शाला बनी है, लेकिन बच्चे यहाँ नहीं आते। वजह खुद देख लीजिए। भवन जर्जर हो चुका है, छत का प्लास्टर उखड़ा हुआ है, दीवारों में दरारें हैं। हालात इतने बदतर कि ये कभी भी गिर सकता है। टीचर्स ने कई बार गुहार लगाई, स्कूल की मरम्मत की जरूरत है, लेकिन जिम्मेदारों के कान पर जू नहीं रहेगा। सर, हमारी जो प्राथमिक शाला है उसकी हालत जर्जर है, छत से पानी टपक रहा है और छत भी गिर रहा है। उसके फोटोग्राफ्स वगैरह भी सब हम पहले भी सबमिट करे थे, पत्राचार तो बहुत हुआ है, लेकिन उसकी कार्यवाही कुछ हुआ नहीं है। उस कारण से जर्जर अवस्था होने के कारण हम बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने का मतलब क्या, यहाँ स्कूल लग रहा है, परंतु यहाँ भी पानी अंदर जा रहा है, जगह कम है। 1 से 5 क्लास तक बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, फिर भी हम कोशिश करते हैं। लिहाजा जब बारिश ना हो तो स्कूल पेड़ के नीचे चलता है, और जब बारिश होती है तब उस चबूतरे पर जो चारों तरफ से खुला है, कहने को छत है, लेकिन बारिश को रोक पाने में यह भी नाकाम है। स्कूल का सबसे छोटा छात्र भी मानता है कि पढ़ाई ना हो पा रही है। वो वाले स्कूल के पानी भी अंदर आ रहा, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यहाँ पढ़ाई हो जाती तुम लोग की? नहीं, नहीं होती। फिर क्या करते हो, कैसे पढ़ते हो? इधर पढ़ नहीं पाते हैं। परिजन भी परेशान है, लेकिन वो मजबूर है, लिहाजा बच्चे स्कूल आ रहे हैं। वो वाले स्कूल की हालत बहुत गंभीर है, वो जर्जर है और टूटने का भी संभावना बिल्कुल फुल चांस है, इसलिए हम वहाँ पे बच्चों को नहीं भेजा रहे हैं, तो यहाँ पे स्कूल लग रहा है। पर यहाँ भी स्थिति उनकी बहुत ख़राब है, बारिश में पानी अंदर पूरा आ रहा है और यहाँ पढ़ाई नहीं होता। लेकिन इस मजबूर हैं हम लोग, इस वजह से बच्चों को यहाँ पे भेज रहे हैं, कम से कम व्यवस्थित रहें और घूमें ना फिरें, इस वजह से यहाँ पे भेज रहे हैं। नहीं तो पढ़ाई यहाँ भी 1 क्लास से पूरे 5वीं तक यहीं एक साथ लगता है, तो पढ़ाई कहाँ से हो पाएगा। पर यह है कि घूमेंगे बच्चे यहाँ वहाँ भटकेंगे, इस वजह से हम लोग यहाँ पे भेज रहे हैं, कम से कम व्यवस्थित रहेंगे। उधर जब बच्चों की परेशानी को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी से पूछा गया तो उनका कहना था इस साल स्कूल की मरम्मत हो जाएगी। अभी जो वर्क प्लान में गया है तो उसमें जैसे ही सैंक्शन आदेश होते हैं, स्वीकृति होती है, वो कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा। मैडम भी रुचि ले रही हैं, इससे लगता है कि हो जाएगा जल्दी। ऐसे में सवाल ये है कि तब तक बच्चे क्या करेंगे, कैसे उनकी क्लास चलेगी। बारिश ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे सुधरेगा उनका भविष्य। कृष्णा साहू, न्यूज 18, मंडला। ग्वालियर में बीएसएफ की लापता लेडी कांस्टेबल की तलाश तेज हो गई है। दोनों कांस्टेबल आखिरी बार वर्दी पहने स्टेशन पर दिखाई दी थी। रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी भी सामने आया जिसमें दोनों दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि 29 दिन से दोनों लेडी कांस्टेबल लापता है।
और इसी बीच बड़ी खबर है, आतंकी फैजान ने बड़ा खुलासा किया। आतंकियों की मौत का बदला लेना चाहता था फैजान। भोपाल जेल ब्रेक के बाद एनकाउंटर में मारे गए थे 8 आतंकी। आतंकियों के परिवार की आर्थिक मदद करता था फैजान। एटीएस के आतंकी फैजान से पूछताछ अब भी जारी है और ये बड़ा खुलासा फैजान ने किया है। तो आतंकी फैजान ने यह बड़ा खुलासा किया कि आतंकियों की मौत का बदला फैजान लेना चाहता था। भोपाल जेल ब्रेक के बाद एनकाउंटर में मारे गए थे 8 आतंकी और आतंकियों के परिवार की आर्थिक मदद फैजान करना चाहता था। इसी वजह से प्लानिंग कर रहा था और कई सारे बड़े प्लान भी थे जिसे एग्जीक्यूट करने की तैयारी में था। हालांकि उससे पहले ही गिरफ्तारी इसकी हो गई। आपको यह भी बता दें कि इसके सर पर सनक सवार थी फेमस होने की और उसके भाई ने यह बड़ा खुलासा भी किया था। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सनक सवार फेमस होने की और गिरफ्तारी तो हो गई कि चूंकि बड़ी वारदातों को अंजाम भी देने वाला था, बड़े खुलासे उसने भी किए हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जिस तरीके से एटीएस ने गिरफ्तारी की उसके बाद लगातार जो एटीएस है उससे पूछताछ करने में जुटी हुई और जो अब तक प्रारंभिक जानकारी मिली उसके से ये पता चला है कि जो जेल ब्रेक के एनकाउंटर में जो 8 आतंकी मारे गए थे उसका बदला लेना चाहता था ये जो आरोपी है। और इसमें से जो लोग 8 लोग जो आतंकी मारे गए थे उसमें से 5 जो है वो खंडवा के रहने वाले थे। उस आरोपी को भी खंडवा से ही गिरफ्तार किया गया। तो अभी फिलहाल जो है वो लगातार पुलिस पूछताछ करने में जुटी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नसीन हो या भटकल। ठीक शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।